पिछले भाग में हमने देखा पूर्णा कमला प्रसाद के अनुरोध पर लाला बद्री प्रसाद जी के घर में रहने को तैयार हो जाती है। प्रेमा को अपने घर से निकलते समय बड़ा दुख हो रहा था, और आखिर हो भी क्यों ना, उस घर का एक एक कोना उसकी मधुर स्मृतियों से रंजित था। उस घर में वह सुहागिन होकर आई थी और आज विधवा होकर वहाँ से विदा हो रही है। ना जाने कितनी असंख्य यादें उसके और वसंत कुमार जी के जी सुखद गृह जीवन से जुड़ी हुई थी उस घर से। आज उस घर का सौभाग्य वाला सूर्य का प्रकाश मानो दुखद अंधियारे में तब्दील होता जा रहा था। पड़ोस की स्त्रियों को जब मालूम हुआ कि पूर्णा यहाँ से जा रही है तो सब उसे विदा करने आए। पूर्णा के पास भले ही धन नहीं था, कम था धन, पर उसकी मीठी मीठी बातें, प्रसन्नचित मुख, सेवा भाव और शील हृदय ने मानो सबका मंत्रमुग्ध कर रखा था। पूर्णा उन सभी से गले मिलकर विदा हुई मानो कोई लड़की ससुराल जा रही हो। संध्या के समय वह रोते हुए अपनी मेहरी के साथ निर्वासित हुई थी, परंतु अपने घर से विदा होते हुए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी ओर प्रेमा अपने द्वार पर खड़ी उसका राह देख रही थी। पूर्णा को देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले से लिपट गई। पर जो पूर्णा प्रायः नित्य आया करती थी खुशी खुशी, आज उसको इस घर में आने पर वह सुखद अनुभव नहीं हो रहा था। वह सखी भाव से नहीं अपितु आश्रित बनकर आई थी। पहले उसका आना साधारण बात थी, पर आज उसको विशेष सम्मान मिल रहा था। यह स्वागत सम्मान का सूचक नहीं अपितु दया का सूचक था। पूर्णा आज बहुत देर तक प्रेमा के पास बैठी रही। चित्त बहुत उदास था उसका आज। आज उसे अपनी दशा की हीनता का यथार्थ ज्ञान हुआ था। इतनी जल्दी उसकी दशा क्या से क्या हो गई थी वह आज उसको समझ आया था। इस घर में रोशनी थी, सुंदर फर्श था, चारपाई थी, अलमारियां थी, बिजली की रोशनी भी थी और पंखे भी थे। पर बिजली की रोशनी उसकी आंखों में चुभ सी रही थी और पंखे की हवा मानो उसके देह की ज्वाला को और अधिक मतलब भड़का रही थी, झुलसा रही थी। उसको इन सब सुख सुविधाओं से बेहतर अपना वो छोटा सा खपरेल वाला घर ही दिख रहा था। उसको उसमें ही ज़्यादा सुखद महसूस होता था। प्रेमा के बहुत आग्रह करने पर भी आज वह भोजन ना कर सकी और बल्कि अपने कमरे में चुपचाप चारपाई पर जाकर लेट गई। रात के 11 बज चुके थे। पूर्णा प्रकाश से हटकर खिड़की के बाहर अंधकार की ओर देखने लगी। उस गहरे अंधेरे में उसे अपने पुरानी यादव अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे। वही अपने खपैर वाला घर, वही पुरानी खटिया, वही छोटा सा आंगन और उसके पतिदेव से उसकी किलकारियां जब वो दफ्तर से लौट कर आते थे। सहसा उसी वक्त सुमित्रा आ पहुंची। दोनों थोड़ी आपस में बातें करने लगे। सुमित्रा ने कुछ अपना दुख बांटा, कुछ उसकी बातें सुनी। सुमित्रा अपना दुख बताते हुए कहती है, मेरा विवाह तो इस महल से हुआ है, लाला बद्री प्रसाद की बहू हूँ, इससे बड़ा सुख की कल्पना कौन कर सकता है भाई। इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है बहन, किसी को भी मेरे जीने मरने की परवाह नहीं है। यह सब सुन के पूर्णा पूछा कि ऐसा क्यों कहती हो बहन, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। सुमित्रा कहती है, मेरे पतिदेव अधिक समय अपना सिनेमा देखते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, धन दौलत की बचाने के उसमें लगे रहते हैं, उनका ध्यान मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रहता, बिल्कुल भी घर में समय व्यतीत नहीं करते। देखो बहन, हम दोनों दुखी हैं, तुम्हारे हृदय में सुख स्मृतियाँ तो हैं, मेरे पास तो वह भी नहीं। मैंने सुख देखा ही नहीं और ना देखने की आशा ही रखती हूँ। पूर्णा थोड़ा सोचकर कहती है, मेरे भाग्य को बहन अपने भाग्य से तुलना ना करो, पर आश्रय से बड़ी विपत्ति दुर्भाग्य के कोष में कोई नहीं होती है। सुमित्रा पूर्णा को समझाते हुए कमला प्रसाद की आदत बताती है कि उनके हृदय में स्वार्थ का एक रोड़ा रखा हुआ है। ना उनको पुस्तकों से प्रेम है, ना संगीत से प्रेम है, ना उनको विनोद से प्रेम है, सिर्फ प्रेम है तो सिर्फ पैसों से। मुझे तो विश्वास ही नहीं आता कि इन्हें सिनेमा में ऐसा क्या आनंद आता है। लेन देन के अलावा घाटे नफे में इनके प्राण बसते हैं और मुझे इन बातों से घृणा है। मैं ये नहीं कहती कि धन तुच्छ है, संचय करना अच्छी बात है, पर यह क्या कि आदमी धन का दास हो जाए। केवल इन्हें चिढ़ाने के लिए मैं कुछ ना कुछ फिजूल खर्च करती रहती हूँ। तभी अचानक से सुमित्रा को उनके आने का संदेह महसूस होता है और वह पूर्णा से विदाई लेती हुई अपने कमरे पर चल जाती है।